ये इस सीरीज का पहला कहानी है। अगर आप इनके बाकी पार्ट भी देखना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप इन्हें देख सकते हैं। दिविक स्क्रीन एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स वर्ल्ड थिंग। ये एक क्लासिक सस्पेंस कहानी है, कैसे साजिश के भीतर दूसरा और दूसरे के भीतर तीसरा साजिश होता है और कैसे बुरे काम में कोई किसी का नहीं होता, ये कहानी उसका एक उदाहरण है। कहानी शुरू होता है कॉलेज के कैंपस से, जहां एनुअल प्रोग्राम हो रहा और चीफ गेस्ट के तौर पर पुलिस ऑफिसर रेयन को बुलाया गया था। उनका स्पीच चल ही रहा था तभी एक स्टूडेंट सूजी उनके साथ बदतमीजी करती है और वहां से चली जाती है। कुछ महीने पहले रियान के हाथों गलती से एक लड़के की मृत्यु हो गई थी जो कि सूजी की साथी थी और जिसको लेकर सूजी रियान के ऊपर गुस्सा। अगले दिन प्रोफेसर सैम के घर पर केली और उसकी दोस्त कारवास करने आते हैं। कारवास के बदले कूपन का डील होता है। कारवास के बाद केली अपने दोस्त को भेज देती है और अकेले घर के अंदर चली जाती है और कुछ समय बाद घर से भागती हुई निकलती है। केली पुलिस के सामने सैम पर जबरदस्ती का आरोप लगाती है पर पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। सब के आधार पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच में जुट जाती है। केली की माँ एक बहुत ही रसूखदार महिला होती है और अपने रसूख के सहारे सैम को कॉलेज से निकलवा देती है। केली की माँ एक अयास महिला थी, उसके सैम के साथ नाजायज संबंध भी रह चुके थे जिसके कारण वो सैम पर हद से ज्यादा गुस्सा थी। सैम का खबर पूरे शहर में फैल जाती है जिसके चलते उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ देती है। सैम बुरी तरह से फंस जाता है जिसके चलते वो शहर के एक नामी वकील को अपना केस लड़ने के लिए देता है। ऑफिसर रैम सैम के खिलाफ सबूत जुटाने सूजी के पास जाता है। सूजी वही लड़की थी जिसने एनुअल डे में रैम के साथ बदतमीजी किया। सूजी भी सैम पर जबरदस्ती का आरोप लगाती है पर उसके पास भी कोई सबूत नहीं होता। आखिर में पुलिस केस को कोर्ट में भेज देते हैं जहां पर जूरी को फैसला करना था उनके विवेक के आधार पर, क्योंकि दोनों केस में कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता है, यानी सिर्फ बयान के आधार पर कानूनी कार्रवाई होना था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सैम का वकील सूजी पर दबाव बनाता है और उसे सब सच बताने पर मजबूर कर देता है। दबाव से सूजी टूट जाती है और कोर्ट में सैम के खिलाफ केली का बनाया हुआ सारे प्लान का भंडाफोड़ कर देती है। सैम केली की माँ पर मानहानि का मुकदमा कर देता है और जिससे बचने के लिए केली के परिवार को मोटी रकम देकर समझौता करना पड़ता है। इससे केली काफी भड़क जाती है। जब कॉलेज में सैम के साथ उसकी मुलाकात होती है तो वो सैम के ऊपर सामान फेंकती है और उसे बहुत भरा भरा सुना। उसी रात सैम के घर पर सूजी और केली आते हैं। हमें तब पता चलता है कि ये सारा प्लान तीनों ने मिलकर बनाया हुआ था। दरअसल केली के पिता के मौत के बाद उनके सारे जायदाद केली को माँ को मिल गया था। केली की माँ काफी अयास थी और सारे पैसे लुटा रही थी। इसी के चलते केली अपने पिता का पैसे हासिल करने के लिए सैम की मदद लेती है। सैम भी काफी कर्जे में डूबा हुआ था जिसके चलते वो राजी हो जाता है और इसी के चलते 400 करोड़ की वसूली कर लेते हैं। पैसे मिल चुके थे, अब बंटवारे की बारी थी। पर केली और सैम सूजी को रास्ते से हटाना चाहते थे ताकि पैसे का दो हिस्से बने। इसी बीच ऑफिसर रैन को सैम की माली हालत का पता लग जाता है जिससे उसे सैम पर शक हो जाता है। वो सैम के खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाता है पर ना तो केली और ना ही सूजी उसे कुछ बताते हैं। रियान को चिंता था कि पैसे के बंटवारे को लेकर किसी की हत्या ना हो जाए। वो इसको रोकना चाहता था किसी भी हालत पर, जिसके लिए वो गैर कानूनी तरीका भी अपनाता है। ऑफिसर रियान के दबाव से सूजी परेशान हो जाती है और घबरा कर सैम को फोन कर देती है। सैम इस बात से काफी गुस्सा होता है और सूजी को बहुत भला भला सुनाता है और साथ ही केली को उसे समझाने के लिए बोलता है। जब सूजी केली के घर पर आती है रियान उसका पीछा करता है और चुपके से केली और सूजी की अंतरंग पलों को शूट कर लेता है। जब पुलिस चीफ को इसका पता लगता है वो रियान पे काफी गुस्सा करते हैं और इसका जांच रोकने के लिए बोल देते हैं। अगले रात सैम केली और सूजी फिर मिलते हैं आगे के प्लान बनाने के लिए। सूजी बहुत ज्यादा परेशान थी जिसके चलते उसने काफी ड्रिंक कर रखा था और बहुत नशे में थी, जिसका फायदा उठाकर सैम और केली उसकी हत्या कर देते हैं और लाश को गायब कर देते हैं। अगले सुबह रियान को सूजी की माँ से सूजी की लापता होने का खबर मिलता है तो रियान तुरंत जांच में लग जाता है। उन्हें कुछ सबूत भी मिलते हैं पर कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिलता। इतने थोड़े सबूत के बिना पर पुलिस चीफ सैम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे क्योंकि सैम अब बहुत पैसे वाला बन चुका। अब सिर्फ केली के बयान पर सैम को अरेस्ट किया जा सकता था, जिसके चलते रियान चोरी से केली के घर पर जाता है और उस पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। तब एक हादसा हो जाता है और रियान की गोली से केली की मृत्यु हो जाती है। पुलिस की डिसिप्लिन भंग करने की वजह से रियान को सस्पेंड कर दिया जाता है पर अरेस्ट नहीं किया जाता। कुछ दिनों बाद सैम को बीच पर धूप सेकते दिखाया जाता है। वो घर में जाता है तो बाथरूम के भीतर रियान उसे मिलता है। तब हम पता चलता है सैम केली और सूजी के साथ रियान भी इस प्लान में मिला हुआ था। वो तीन नहीं थे, वो चार थे। सैम केली की हत्या को लेकर रियान पर काफी नाराज होता है क्योंकि वो हत्या प्लान का हिस्सा नहीं था। रियान सैम से पैसे के लिए पूछता है तो सैम उसे दो दिन के बाद पैसे देने का वादा करता है। फिर वो दोनों समंदर में बोटिंग के लिए निकल जाते हैं। बीच समंदर सैम रियान की हत्या का कोशिश करता है और उसे बोट से गिरा देता है, जिससे रियान काफी गुस्सा हो जाता है और सैम पे हमला कर देता है। तभी सूजी पीछे से आ जाती है और रियान को खत्म कर देती है। दरअसल सूजी जिंदा थी, उस रात सूजी की हत्या नहीं हुई थी। वो सब सूजी पर लगे कानूनी कार्रवाई से पीछा छुड़ाने के लिए उनका किया गया एक प्लान था। अब पैसे के सिर्फ दो ही पार्टनर बचे थे। इसी का सेलिब्रेशन करने सैम एक ड्रिंक बनाता है। ड्रिंक पीते ही सैम की तबीयत बिगड़ने लग जाता है क्योंकि शराब में सूजी पहले से पॉइजन मिला दिया था। सैम के भी मृत्यु हो जाता है और केवल सूजी बच जाती है अकेले दावेदार 400 करोड़ की। उधर शहर में ऑफिसर रियान की पार्टनर सूजी के घर पर जाती है जहां सूजी की माँ से उन्हें बहुत से हैरान करने वाली बातों का पता चलता है। सूजी उनकी सगी बेटी नहीं थी, दरअसल सूजी केली की नाजायज बहन थी जिसे उन्होंने पाला था और जिस लड़के का हत्या रियान के हाथों हुआ था वो उनका सगा बेटा था जिसे सूजी अपने भाई से बढ़कर मानता था और जिसका बदला रियान से लेने के लिए
सुजीव्य करार था। कुछ दिनों बाद बीच पर सुजी को दिखाया जाता है और श्याम का वकील उसे वहाँ पर पैसे से भरा हुआ ब्रीफकेस देता है और ये भी बताता है उस पर लगे सारे आरोप पुलिस वापस ले लिया था क्योंकि पुलिस के नजर में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। आशा है कहानी आपको पसंद आया होगा। कहानी आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगले वीडियो में।